हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर 2021 में कब स्कूल खुला जाएगा। तो दोस्तों, अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये अमर उजाला से आ रही है। यहां पर देख सकते हैं कि अंतिम सप्ताह से 9वीं से 12वीं की कक्षाएँ शुरू करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के कक्षाएँ जो है वह अंतिम सप्ताह यानी कि जुलाई के अंतिम सप्ताह से खुलने की यहाँ पर मांग जारी किया गया है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा कि यानी कि कैसे आपका स्कूल खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा, या खुलेगा तो कब तक खुलेगा। और दोस्तों, साथ में आपको बताते चले कि जितने स्टूडेंट 2022 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या तो वो 10 में हो, 11 में, 12 में हो, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं 9451094356 पर। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर कहा गया कि पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री को एक पत्र भेजा है, जिसमें विद्यालयों को जुलाई के अंतिम सप्ताह से खोलकर कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई शुरू कराने की मांग की गई। इसके पहले भी एसोसिएशन की ओर से ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा चुका है, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कक्षाओं के संचालन की मांग रखी गई थी। आगे इसी में कहा गया, एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा को भेजे पत्र में कहा है कि CBSE की ओर से नवंबर और दिसंबर में परीक्षाएं कराए जाने के मद्देनज़र कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन जरूरी है। विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने का निर्देश सरकार को जारी करना चाहिए। पदाधिकारियों ने यह भी बताया है कि ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में कुछ कमियों की वजह से परेशान विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। अभिभावकों की भी इस मामले में राय ली गई, तो उन्होंने भी बच्चों को स्कूल भेजने की इच्छा जाहिर की है। आगे इसी में कहा गया कि पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोग, उपाध्यक्ष राहुल सिंह, पंकज राजघरिया, सचिव डॉक्टर हरिओम सिंह, संयुक्त सचिव मुकुल पांडे और कोषाध्यक्ष जगदीश मधोक ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से स्कूल को खोले जाने की मांग यहां पर की हुई है। यानी दोस्तों, इसके पहले भी इन्होंने मांग जब किए थे तो उसके बाद स्कूल खोला गया था, और इस बार भी इन्होंने इसी तरीके से मांग किया हुआ है। पत्र आपके यूपी सरकार द्वारा यहां पर भेजा जा चुका है, तो देखते हैं क्या निर्णय निकल कर आती है। और उम्मीद यही रहेगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अब महामारी जो धीरे धीरे बहुत ही डाउन हो चुकी है, तो इसमें आपके स्कूल खोले जाने की संभावनाएँ बन रही हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपके स्कूल खोलने का जो भी डेट आएगा हम आप तक प्रोवाइड करेंगे, तब तक दोस्तों आप लोग चैनल में बने रहिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट ने चैनल को लाइक नहीं किया, फटाफट इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यानी कि दोस्तों, आप उम्मीद यही है कि अगर आपका जुलाई में नहीं है तो अगस्त में आपका उम्मीद रहेगा कि स्कूल यहाँ पर खुल सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।